नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट, कक्षा 8 में फिर से आपका स्वागत है। हम षष्ठ पाठ लेकर आए हैं। षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुता बिना, घर जो है वो बालिका यानी बच्ची के बिना सुना है। तो ये देखेंगे, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आई है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भातृभाज्या उदासीन इव दृश्यते। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, सब अच्छी तरह से दिख रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं। परंतु उसकी भाभी जो है वो बड़ी उदास दिखती है, भातृजाया यानी भाभी शालिनी। भातृजाया चिंतिता इव प्रिय प्रतियसे सर्वं कुशल खलु, तुम बड़ी चिंतित दिख रही हो, क्या सब कुशल है? माला आम शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आने शीतल पेयम चाय वा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊँ, ठंडा लाऊँ या गरम, मतलब कोल्ड ड्रिंक लेंगे या चाय लेंगे। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वाच्यमि, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजने में व करिष्यामि, अपन रात को ही सभी साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले मालाया मनोदशा स्वास्थ्य न प्रतीयते इसम, परम सम्मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा जो है वो स्वास्थ्य प्रतीत नहीं हो रही थी, और उसके मुख पर वो अपने मुख से कुछ बोल नहीं रही थी। राकेश उसका पति है माला का, वो बोल, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या तुम समागता, तुम बड़े अच्छे समय पर आई हो। अधिमम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सह में सेव निश्चिता, आज मेरे ऑफिस में जो है वो मुझे एक जरूरी अचानक से मीटिंग आ गई है, उसमें मुझे जाना है। अध्येव माला चिकित्सिका सह मेलनस्य समय निर्धारित, आज माला का जो है वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है उसको। तुम माला सह चिकित्सा प्रति गच्छ, तुम माला के साथ जाना। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तद संपादय, जैसा वो परामर्श देंगे वैसा तुम करना। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? भातृजाया स्वास्थ्य समीचीनी नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु हय प्रभृति पश्यामि स स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें, मैं तो कल से ही देख रही थी कि जो है वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। राकेश चिंता विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम माला ऐसा गच्छ मार्गे सा स्वर ज्ञापयिष्यति, तुम माला के साथ जाओ, वो रास्ते में तुमको सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छत्यो वार्ता कुरुत, और माला शालिनी के साथ चिकित्सा के डॉक्टर के पास जाती है, चिकित्सक के पास, और वो रास्ते में बातचीत करते हैं। शालिनी की मुहत, क्या हुआ? भात्र जाइए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या तुमको समस्या है? माला कहती है, शालिनी अहम मात्र मास त्रयस्य गर्भ स्वशिक्षु धारयामि, शालिनी मैं जो है वो 3 महीने का मेरे पेट में गर्भ है। तव भातु आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षण करे एयम, कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भ पातेयम, तुम्हारे भाई ने कहा है कि लिंग परीक्षण करवा लो, और यदि उसमें कन्या हो लड़की हो तो गर्भ हटा देना। अहम अति उद्विग्नास्मि, परम तव भ्राता वार्ता में न सु, मैंने उनको कितनी बार कहा है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एव चिंतितुम कथम अपि, क्या भाई जरा भी नहीं सोचते हैं? शिशु कन्यास्ति चेत वरदाहम, क्या अगर बच्चा कन्या हुई
शिशु जो है वो बालिका हुई तो क्या वो जो है वो वध के योग्य है? जघन्य कृत्य मिदम, ये तो बड़ा ही जघन्य पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने इसका जरा भी विरोध नहीं किया? स तो शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंतयति तुम तुष्णिम तिष्ठसि, तुम्हारे शरीर में स्थित उस शिशु के लिए वो वध करने की सोच रहा है और जो है वो तुम ऐसे ही खड़ी हो। अधुनेव ग्रहम चल, अब आज घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उनकी ननंद जो है वो बोल रही है। अहम वार्ता करिष्य, मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले भात्र आगच्छति, हस्तपादादिका प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्त, पूजा ग्रहम गत्वा दीप प्रज्वालति, भगवान स्तुति चापि करोति। और जब शाम को भाई आता है, हाथ पांव धोकर, प्रक्षालय धोकर, वस्त्राणि पर कपड़े बदल कर और पूजा घर में जाता है और भवानी स्तुति, माता की स्तुति करता है, तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, और तब जो है वो चाय पीने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। राकेश, माले तुम चिकित्सा प्रति गतवती असी किम कथयते? राकेश बोलता है, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने क्या कहा? माला मौनमेवाश्रयति तदेव कृणन्ति, माला चुपचाप खड़ी थी तभी जो है वो तदेव कृणन्ति त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तभी उसकी 3 वर्षीय बालिका जो है वो अंबिका है उसकी 3 वर्ष की, और वह पिता के गोद में आकर क्रोड़े ने गोद में उपविशति बैठती है। तस्मा चाकलेहम च याचते, और चाकलेहम ने चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, और राकेश अंबिका को ललचाता है, चाकलेहम प्रदायताम, और उसे चॉकलेट देता है। क्रोधात अवतारयति, और अपनी गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, और माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है कि क्या हुआ भाई, डॉक्टर ने क्या बोला था? शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी ये सब देख करके फिर उत्तर देती है। शालिनी, भात्र त्वम किमपि जातु इच्छसि, क्या तुम जानते हो तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्रीवा, जो है वो लड़का है लड़की, किमर्थ जानना क्यों चाहते हो तुम? क्षण मासांतरम सर्व स्पष्ट भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्व किमर्थ अयम अयास, तुम पहले से ही जानने का प्रयास क्यों करते हो? भगिनी त्व तु जारसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेणस्य अस्त्येव, भगिनी तुम बहन तुम जानती हो कि मेरे पास मेरे घर में अंबिका के रूप पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, और मुझे अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हत्यव्या, क्या यदि वो पुत्री हुई तो क्या हत्या के योग्य है? और वो जोर से तीखे स्वर में बोलती है, हत्या है पाप कर तुम प्रवत्तोस्ति त्वम, तुम हत्या का प्रयास कर रहे हो, पाप कर रहे हो। न हत्या तु न, और वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है बोलने में राकेश, नहीं 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 मैं हत्या करना नहीं चाहता। तरहे किमस्ति निर्घृण कृत्या मिदम, फिर तुम यह ऐसा घृणित कार्य क्यों कर रहे हो? सर्वथा विस्तृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र पुत्री में कोई विभेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्धृति, और वो मनुस्मृति की पंक्ति बताते हैं, इसमा आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता इसमा, कि आत्मा ही पुत्र है और पुत्र के रूप में ही पुत्री आती है, पुत्री जो है पुत्र के रूप में ही आती है। त्वमपि साय प्रातः देवस्तुति करोषि, तुम भी जो है वो प्रातः सुबह शाम देवी की स्तुति करती हो।
किमर्थ सृष्टि उत्पादिन्या शक्ता तिरस्कारम करोषि। तुम किस प्रकार से सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तो मनसि इति यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इस प्रकार का घृणित कुत्सित बुरा विचार क्यों आ गया है। इदम चिंतयित्वा अहम् कुंठितास्मि। मैं बड़ी तुम्हारे चिंता और कुंठित हूँ। तो शिक्षिका वृथा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। तुम शिक्षित हुए इतने इतने पढ़े लिखे वो सब व्यर्थ हो गया। राकेश भगिनी विरम विरम भगिनी बहन रुको रुको अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मुझे अब मैं लज्जा आ रही है शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमपि तमिदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। अब इस प्रकार का घृणित कार्य जो है वो मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य। और जिस प्रकार से मैं अंबिका के को अपना हृदय से प्यार करता हूँ अपनी पुत्री को अधिकारी अस्ति संपूर्ण स्नेह अधिकारी तथेव अगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। और आने वाला शिशु को भी उसी तरह से मैं प्यार करूँगा लाड़ करूँगा। अहम स्वगर्हित चिंतित प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं जो है वो अपने इस कार्य से बड़ा जो है वो लज्जित हो गया हूँ और पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्तृतवान। और वो कहता है यात्रा यत्रा नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फलाक्रिया। कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है और जहाँ इसका उल्टा कार्य होता है वहाँ क्रिया भी उल्टी हो जाती है। अथवा पितृदर्शय गुणा मनोति मातेति। इसलिए मैं पितु मतलब पिता के दर्शाए हुए गुण को मानता हूँ। तो सन्मार्ग प्रदर्शयति भगिनी तुमने मुझे सतमार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि त्वम मम गुरु असि। तुम छोटी हो लेकिन मैं तुम मेरी गुरु हो। अलम पश्चातापेन अब पश्चाताप मत करो शिला शालिनी कहती है। तो मनस अंधकार अपगत प्रसन्नताया और तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया इससे मुझे प्रसन्नता है। भात्र बजाइए आगच्छ भाभी आओ सर्व चिंता तज्ज्य अगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्वाभव। और अब सब चिंता छोड़ दो आने वाले शिशु का की स्वागत की तैयारी करो। भात्र तुम ही प्रतिज्ञा करो भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कन्या रक्षणे तस्य पाठेन दत्त चित्त। और कन्या उसकी आएगी तो उसकी रक्षा करेंगे और उसको अच्छी तरह से शिक्षित करेंगे। स्थास्यसी पुत्री रक्ष पुत्र पुत्री पठाय। और उसकी रक्षा और पढ़ाई की कार्य को करेंगे। स्त्री सर्वकारस्य जो है वो बेटी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो है वो इति सर्वकार सरकार की जो घोषणा है और उसको तभी वो सार्थक होगी तदेव सार्थिका भविष्यति। तभी वो सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतमिदं यथार्थम रूप करिष्यामि। और जब हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे तो उसी या गार्गी श्रुति चिंतये रप नयेने पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारेण गगनम विज्ञान गण कल्पना। के जिस प्रकार से गार्गी जो है वो वेदों में गार्गी विदुषी है बड़ी ज्ञानी है इसी प्रकार से राजा विक्रमादित्य के न्याय की तरह पंचालिका द्रौपदी मानी जाती है और महारानी लक्ष्मी बाई की वीरता से आप अवगत ही हैं और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला का नाम जाना जाता है। इंद्रोद्योग्य पदे च खेल जगतिम ख्यातिमिद साइना। साइना जो है खेल जगत और उद्योग में जो है वो मानी जाती है। से स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्व सदोत्साहतम। और स्त्री को कभी सबल अबला नहीं करना चाहिए वो सबल है और सभी
कार्य क्षेत्र में दक्ष है। तो ये छोटा सा पाठ है जो हमें शिक्षित करता है, मातृशक्ति शक्ति की आराधना जो है वो हमें भी करना चाहिए, और इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके प्रति हमें भी सचेत रहना चाहिए। तो ये पाठ समाप्त हुआ और इसमें प्रश्न उत्तर जो है वो पीडीएफ में दिए गए। धन्यवाद।